अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मीन्स एंड कंटिन्यूड प्रीपोजिशन, क्लास टेंथ का सब्जेक्ट मैथ्स है, लेक्चर नंबर 16 है। हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे वेरिएशंस, तो आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मीन एंड कंटिन्यूड प्रीपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं कि मीन प्रीपोजिशन हमारे पास क्या है। कहते हैं कि इफ़ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास इस तरह का रिलेशन दिया हो तो बी हमारे पास जो होगा ये हमारे पास क्या होगा मेन प्रोपोर्शन होगा, जबकि ए और सी हमारे पास क्या हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन हैं। अब होगा क्या कि हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके एक्सट्रीम प्रोपोर्शन दिए होंगे, वो हमसे ये कहेगा कि आपने जो है इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। जैसे कि एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 3, तो अब उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हमें जो है दो प्रोपोर्शन दिए हों, दो जो गिवन प्रोपोर्शन होंगे वो दोनों के दोनों एक्सट्रीम प्रोपोर्शन होंगे। हम लेट कर लेंगे मेन प्रोपोर्शन, हमारे पास कोई भी वेरिएबल है अल्फा में लेटर्स, उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने ये वाला रिलेशन राइट करना होगा। इस रिलेशन में हम जो है वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20-45। पार्ट वन का उसने दिया हुआ है 20 और 45 जो हैं ये दोनों हमारे पास जो है ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन है। हम लेट करेंगे, हमने लेट किया है लेट एम बी द मेन प्रोपोर्शनल। अब उसी रिलेशन के मुताबिक जो हमारे पास रिलेशन क्या था कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब इस रिलेशन में स्टूडेंट हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए और सी जो है ये हमारे पास गिवन प्रोपोर्शनल हैं एक्सट्रीम जो हैं, और जो बी है ये हमारे पास क्या है बाई डेफिनेशन मेन प्रोपोर्शनल है। अब बी जो है ये हम लेट कर चुके हैं कि ये हमारे पास एम है। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 20, बी की जगह पे जो हम वैल्यू लेट की हुई है एम जो हम फाइंड करना चाहते हैं, हम एम के अलावा कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वो हम पुट की। उसके बाद रेशो सी की जहाँ पे हमने 45 पुट की वैल्यूज़। देखिए वो जो 20 और 45 हैं ये फर्स्ट और लास्ट प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, और जो सेंटर वाले हैं सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन जो हमारे पास मेन प्रोपोर्शन है उसका हम लेट कर चुके हैं एम है, तो वो हम पुट करेंगे। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब इस फार्मूला के मुताबिक क्या होगा कि मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम, अब मीन हमारे पास थे एम सेकेंड एंड थर्ड, ये वाले मीन थे, इन दोनों का प्रोडक्ट बना एम मल्टीप्लाई एम तरीके से 20 और 45, ये हमारे पास दोनों क्या हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट बना 20 मल्टीप्लाई 45। अब एम मल्टीप्लाई एम वेरिएबल सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो एम स्क्वायर 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। अब सो इसमें हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एम की वैल्यू जस्ट, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, तो हमने दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ एम का, उस 900 का जब स्केयर रूट लेंगे तो वो कितना आएगा 30, और जब भी हम वेरिएबल का स्केयर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस में आता होता है, तो यूँ हमारे पास जो है मेन प्रोपोर्शन बना है +30 और एक बना -30, जहाँ मतलब +30 होगा जहाँ पर -30 होगा, दो वैल्यूज़ आएंगी। इस तरीके से हम कोई और पार्ट देखते हैं इसका, हम पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उससे जो सेकंड एक्सट्रीम है एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये दोनों जो हैं ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, वो कहता है कि आप मीन फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या लेट करेंगे, हमने लेट कर लिया एम बी या मीन प्रोपोर्शनल, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिलेशन था ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब इस प्रोपोर्शन के मुताबिक स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि जो दोनों गिवन है वो एक्सट्रीम प्रोपोर्शन हैं, और मीन के यहाँ पे हमने लेट किया था एम, तो हमने एम पुट किया। इस तरीके से जो हमारे पास फार्मूला बना कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अब इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो एम मल्टीप्लाई एम प्रोडक्ट ऑफ मीन, इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या बना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आ चुका है। अब एम और एम क्या बन जाएगा एम स्क्वायर,
जबकि इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे जो हमारे पास किसके इक्वल है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका हम फार्मूला जब पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई ये वाला x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई सेम आ जाएगा। अब सुनो इसमें देखें अगर तो हमारे पास जो है x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास तो बनेगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों सेम है, इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जिस तरीके से हम लिखते हैं कि x मल्टीप्लाई x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सेम इस तरीके से x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बन गया। अब हमें चाहिए जस्ट m की वैल्यू, तो स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो हमने जब स्केयर रूट लिया तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इस m की वैल्यू बनी जो कि हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 3 स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट होगी, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास जो है तीन क्वांटिटीज़ होंगी ए बी सी, तो सेम टू सेम जैसे हमने मीन प्रोपोर्शन का रिलेशन लिखा था ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, सेम उसी तरीके से हम जो है इसका हम रिलेशन राइट करेंगे। अब इसमें ए जो है ये फर्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन है, बी जो है ये हमारे पास मेन प्रोपोर्शन है, और जो सी जो है ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है। तो कहते हैं कि वेयर ए इज़ फर्स्ट बी इज़ द मेन एंड सी इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन, देन ए बी एंड सी आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये रिलेशन हम राइट कर लें तो ये वाला रिलेशन जो है ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। अब होगा क्या स्टूडेंट, का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि जो गिवन प्रोपोर्शनल है जिन क्वांटिटीज़ जो हैं ये अगर कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो आप जो है वेरिएबल्स की अननोन लेटर्स की वैल्यू फाइंड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सेंटर वाला होगा मतलब कि फर्स्ट हमारे पास जो होगी वैल्यू जो भी दी होगी वो सारी एक वैल्यू हो जाएगी, और जो सेकंड नंबर पे दी होगा प्रोपोर्शन वो हमारे पास जो बीक वैल्यू हो जाएगी वो हम यहाँ पर बीक वैल्यू पुट करेंगे, और जो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन में दिया होगा वो क्या होगी हमारे पास सी की वैल्यू होगी, तो हम सी की यहाँ पर पुट करेंगे। और सेम प्रोडक्ट ऑफ मेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाले मेथड से हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शनल। कहते हैं कि हमारे पास जो है अगर ये जितने भी दिए हुए प्रोपोर्शन ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन अगर इन्वॉल्व करते हों तो आपने अननोन लेटर्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे कि पार्ट 1 है कहता है 5 फर्स्ट प्रोपोर्शन 5 है, उस पर पी है सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू जो है 45 है। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है ए की जो वैल्यू होगी वो 5 है, पी जो है ये मीन प्रोपोर्शन एज आ लेंगे हम बी की वैल्यू, और 45 जो है ये हम थर्ड प्रोपोर्शन लेंगे एज आ सी की वैल्यू। अब हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले तो हमने इसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन वाले रिलेशन में राइट करना है, उसके बाद हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने राइट किया कि सिंस 5p एंड 45 आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। अब सुनो हमने क्या किया है कि हमने उसको इस सारे को जो वैल्यूज़ गिवन है इसको हमने प्रोपोर्शन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन वाले रिलेशन में राइट किया है। तो कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन वाला रिलेशन हमारे पास क्या था कि a रेशो b, उसके बाद प्रोपोर्शन b रेशो c। अब इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a की 5 है, और जो सेंटर वाली वैल्यू होगी ये बी की मीन प्रोपोर्शन होगा तो हमने पी पुट किया, और जो थर्ड लास्ट वाली वैल्यू है तीसरे नंबर पे जो 45 दिया हुआ है वो हमारे पास जो है सी की वैल्यू है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन बन गया ये प्रोपोर्शन की फॉर्म बन चुकी है, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ मेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब इसमें मीन हमारे पास क्या है पी एंड पी मतलब दोनों सेम है, तो पी मल्टीप्लाई पी लिखा, जबकि एक्सट्रीम हमारे पास क्या है 5 × 45, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बन गया। तो पी मल्टीप्लाई पी पी स्क्वायर बना 5 × 45 225। हमारा टारगेट है पी की वैल्यू फाइंड करना, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 225 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट बनेगा वो आ जाएगा 15। तो वेरिएबल का स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस 15। अब हमारा टारगेट भी यही था कि हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम कोई और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि फर्स्ट हमारे पास जो है वैल्यू 7 है, सेकंड हमारे पास जो है
एम माइनस थ्री है, जबकि थर्ड हमारे पास क्या है 28 है। तो इसका मतलब इसमें ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू एम माइनस थ्री है, जबकि सी की वैल्यू कितनी है 28। तो हमने राइट किया कि क्योंकि उसने कह दिया था स्टेटमेंट में कि ये जितने भी मतलब कि प्रोपोर्शन है ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन की फॉर्म में है, तो हमने लिखा सर 7 एम माइनस थ्री एंड 28 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो 7 अब प्रोपोर्शन का रिलेशन हमने राइट किया ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हमने रिलेशन राइट किया। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन के लिए बनेगा हमारे पास जो मीन है एम माइनस थ्री एंड एम माइनस थ्री हमारे पास मीन है, और जो 7 और 28 है ये हमारे पास क्या है एक्सट्रीम्स हैं। तो हमने फार्मूला अप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू सब्सटीट्यूट की एम माइनस थ्री मल्टीप्लाई एम माइनस थ्री मीन्स की, इस तरीके से एक्सट्रीम 7 मल्टीप्लाई 28। आप स्टूडेंट इसमें देखें कि एम माइनस थ्री ये दोनों सेम है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 बन जाएगा। तो अब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो एम माइनस थ्री स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब 196 का जो स्क्वायर रूट बना है वो हमारे पास बना है प्लस माइनस 14। और स्टूडेंट पहले जो था जैसे कि हमारे पास जो है 15 वाला तो जो पी की वैल्यू हमने फाइंड की थी तो पी सिंगल वेरिएबल था, तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए थे। इसको हम अलग अलग भी राइट कर सकते हैं, मतलब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि पी इज़ इक्वल टू 15 और पी इज़ इक्वल टू माइनस 15। इसलिए किससे जो है इसमें हमारे पास जो है एम माइनस थ्री इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 14 है। अब इससे हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस के साथ लिखेंगे एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास जो है एम माइनस थ्री इज़ इक्वल टू 14 और एम माइनस थ्री इज़ इक्वल टू माइनस 14 बना। नेक्स्ट जो है माइनस थ्री स्टूडेंट इधर आके प्लस थ्री हो जाएगा, 14 प्लस थ्री 17 बना। अब जबकि इधर जो है माइनस थ्री है इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा, तो माइनस 14 प्लस थ्री एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे 14 में से 3 माइनस के 11, 14 नेगेटिव नंबर है बड़ा नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो यूँ हमारे पास जो है एम के यहाँ पे भी दो आंसर्स बन चुके हैं। तो सेम टू सेम इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट वन और जो पार्ट फोर हमने जो सॉल्व किया है इसी मेथड से ही आपने इसी क्वेश्चन का पार्ट टू और थ्री सॉल्व करना है जो कि आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।